दोस्तों किसी भी राष्ट्र निर्माण में सड़क का निर्माण अहम भूमिका निभाता है। अगर हम देखें पश्चिमी देश वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया से ट्रेड में कॉमर्स में सबसे आगे होने का कारण है कि जो सड़कों का निर्माण हिंदुस्तान में अब शुरू हुआ है वो सैकड़ों वर्ष पहले अपनी सड़कों का निर्माण उस लेवल पर कर चुके थे। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं आया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक्सीडेंट ना हो उसके लिए क्रॉस बैरियर्स बनाए जाते हैं जो कि पुल के दोनों तरफ लगाए जाते हैं जिससे बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पूरा कटिंग करके यहाँ पे रख दिया हुआ है जी। फिर हमें जरूरत है इसमें से 15-15 पीस ले जाकर के हम वहाँ रखेंगे जी, एक जाली तैयार करने के लिए क्रॉस बैरियर का। अच्छा अच्छा, क्रॉस बैरियर का बेस बनाते हैं आप, जाली का जाल जिसको बोलते हैं जाली जी, जी इसको जी, जाली हम बोलते हैं जी। यहाँ पे 15-15 पीस ला करके हम रख दिए जी जी। फिर यहाँ ला करके हम असेंबल करते हैं। अच्छा अच्छा, पूरा असेंबल करेंगे, असेंबल करके और यहाँ पे जब पूरा हम इसको बांध देंगे जी, बांधने के बाद फिर हम ले जाकर वहाँ रख देंगे जी, वहाँ तक रख के छोड़ देंगे। तो भैया उसके बाद का क्या प्रोसेस है? यहाँ से हम लोग जाली उठवा के 5 लोग वो आएंगे जी, उठा के इसको लेके जाएंगे जी, और वो हमारा फर्मा है जी, उसी फर्मे के अंदर इस जाली को डाला जाएगा जी, और जो एल वहाँ पे हम आपको मोड़ के दिखाए ना, हाँ जी, उसको ऐसे नीचे डालेंगे। चलिए वहाँ दिखाते हैं कैसे डाल रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पे पूरा असेंबल कर रहे हैं इसको, जाली को देखिए, ये जो एल मोड़े थे वहाँ पे हम जी, वो एल ऐसे नीचे एक डाला गया, हाँ जी, उसके बाद वो बेंडर रहा हमारा इससे डाला जाएगा जी, फिर एक छोटा वाला एल ऊपर से डाल के इसको बांध दिया जाएगा, वहाँ कंप्लीट है हमारा, बांधा गया है। ये देखिए ये बांध रहे हैं लोग जी। ये बांधने के बाद इसका जो प्लेटा है तेल लगा के सेटिंग ऑयल लगा देते हैं। अच्छा, इसमें सेटिंग ऑयल ताकि ये हट जाए बाद में कंक्रीट में, हट जाए कंक्रीट में चिपके ना जी, इसे सेटिंग ऑयल लगा के चिपका देते हैं, पूरा लगा देते हैं जी। उसके बाद से ये खोल के 3 घंटे बाद खोल के हटा देते हैं जी, और 5 घंटे हो जाते हैं तो वो व्हाइट हो जाता है वैसे। तो इसमें पहले कंक्रीट ही भरा जाएगा ना, उसके बाद कंक्रीट की गाड़ी आती है, जब ये रेडी हो जाएगा ना तो हम ऑर्डर करेंगे कंक्रीट जी, 2 MQ 4 MQ जितना जैसे मोल्ड तैयार होगा। हमारा 1 मोल्ड में 1 MQ लगता है माल जी, तो ये 2 मोल्ड में 2 MQ लगा है जी, तो मंगा के उसको डाल देंगे जी, उसके बाद से कंप्लीट हो जाएगा ये जी। कंप्लीट माल हमारा ये रहा। अच्छा, ये कंप्लीट माल है। तो भैया इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका इसको, यूज क्या है? इसको अभी क्या करेंगे, हमारा हाइड्रा आएगा। अच्छा, हाइड्रा आएगा, तो हाइड्रा, मशीन जो उठाने वाली मशीन उठाने वाली जी, ये उठा के डिमोल्डिंग करके उधर रख देगा जी। इस पे 14-15 दिन तक क्यूरिंग होगा, पानी लगेगा ताकि ये मजबूत हो जाए जी जी जी, ठोस हो जाए। उसके बाद से जी इसको ले जाके जो आरी पैनल होता है साइड से लगेगा जी, उसके ऊपर ये क्रॉस बैरियर लग जाएगा जी, और उसके ये जो स्लैब निकला है ना ये जी, ये रोड के अंदर ये सरिया, अच्छा ये हिस्सा रोड के अंदर घुस जाएगा, ये सारा सरिया रोड के अंदर घुस जाएगा जी। उसके बाद से ये इसलिए लगता है ताकि कोई गाड़ी आए एक्सीडेंट भी हो जाए जी, इसमें टक्कर खा के आदमी नीचे ना जाए, नीचे का जो सामान है या आदमी है कोई घायल ना हो, इसलिए क्रॉस बैरियर लगता है। तो ये बेसिकली जो है ये रोड में एक तरफ दोनों तरफ बैरियर का काम करता है, दोनों तरफ बैरियर, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस बैरियर जी जी जी, क्रॉस में लगता है। तो भैया वो तो क्रॉस बैरियर था, तो ये बेसिकली ये किस चीज का फर्मा तैयार हो रहा है? ये आरी पैनल है, आरी पैनल कटिंग होके ये सब यहाँ जाली बंध रहा है जी। उसके बाद ये वहाँ पे फर्मा में डाल दिया जाएगा, इसका फर्मा आके यहाँ देख लीजिए कैसा है जी। इसका फर्मा ये रहा जी, ये अब इसमें करके ये जाली डाल देंगे, इसमें भी कंक्रीट उसके बाद भर देते हैं, लगता है ये लगता है, इसमें टेप मारा जाता है जी, ताकि कंक्रीट इसके अंदर ना जाए जी। और ये ऐसे खड़ा होगा, इस साइड में बेल्ट लगेगा, उस साइड में बेल्ट लगेगा, दोनों तरफ बन जाएगा। अच्छा, ये बेल्ट से मतलब ये हाँ, ये दो ब्लॉक्स हमने ऐसे इकट्ठा करे हाँ, और दोनों को बेल्ट से लगा दिया, और ये दीवार उसके बीच में कंक्रीट वगैरह भर के खड़ा कर, मिट्टी उसके ऊपर मिट्टी डाला जाएगा जी जी, रोलिंग होगा क्योंकि पूरा वो दब जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये जो पुल होते हैं तो पुलों की जो मोटी मोटी दीवार होती है, तो ये दो ब्लॉक ऐसे खड़े करे और उसके बीच में मिट्टी डाल के रोलिंग कर देते हैं। ठीक, ये सब हो जाता है, उसके बाद दोनों साइड लगने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये क्रॉस बैरियर हमारा लगता है। अच्छा, क्रॉस बैरियर इसके बाद में लगता है, बाद में लगता जब पुल का काम पूरा हो जाता है। ये होता है पहले गड्ढा, जैसे ये हो गया, इसके साइड से मारा जाता है गड्ढा और इसको लगाया जाता है पूरा, मिट्टी डाला जाता है जी, उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। तो भैया मतलब हमारे लिए गाड़ी दौड़ाना, रोड पे चलना कितना आसान है, लेकिन मेन जो मेहनत है, जो कोर एक्टिविटी है, वो तो आप करते हो, कितनी मेहनत इसमें लगती है, कितना टाइम इसमें लगता है, कितना सरकार का पैसा इसमें लगता है। तो दोस्तों बाकी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहे, अभी के लिए नमस्कार।